टाउन पॉलिटेक्निक में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन है। यहाँ का आप दृश्य देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के खेल का ये आयोजन है जिसमें सारे बच्चे भाग ले रहे हैं और जोर भी आजमाइश हो रही है और टाउन पॉलिटेक्निक के इस हरे भरे मैदान में वो बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है। वार्षिक खेल कूद समारोह को सफल बनाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। ठंड का मौसम है लेकिन कार्यक्रम बड़ा ही जानदार है। आइए बात करते हैं सर से कि क्या तैयारी है और कितने दिन का ये आयोजन है और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया है, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, आइए बात करते हैं जी। प्रतिवर्ष की भांत इस साल भी संस्था में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया है जिसमें 5 ग्रुप हैं और 5ों के लीडर्स हैं और ऊंची कूद से लेकर के 100 मीटर और रेस वगैरह सारी जो एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं हैं यहाँ होनी हैं। बैडमिंटन भी होना है और इस ठंड के जाड़े में भी मैं सबका, सभी बच्चों और सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं जो पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। कोरोना काल के बाद इतना उत्साह बच्चों में है जो असीम है। मेरे समझ से ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि बच्चों में बौद्धिक विकास के लिए खेल कूद का आयोजन भी अत्यंत ही आवश्यक था, जिसे हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जी के निर्देशन में यह कार्यक्रम उनके इच्छा अनुसार आयोजित हमारे सभी जो क्रीड़ा अधिकारी हैं और हमारे जयप्रकाश पांडे जी, जो कमेटी हमारी है, निखिलेंद्रनाथ मिश्र जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, सारे लोगों का एक जो हमारा संगठन के रूप में, एक जुटता के रूप में जो यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है, निश्चिंत ही देश के लिए एक, और बलिया में जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जोनल में बच्चों को जाना है तो निश्चित ही हमारे बच्चे जोनों में भी अच्छी प्रतिस्पर्धा करके और मेडल तो प्राप्त करेंगे ही और बलिया जिले का नाम भी रोशन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि हमारे क्रीड़ा अधीक्षक जो राकेश जी हैं, जिनका अनुभव हमें बहुत ही अत्यंत ही लाभप्रद रहा है और चूँकि वो गेम से आते भी हैं, गेम उनका एक हॉबी रहा है जिसका लाभ संस्था टाउन पॉलिटेक्निक बलिया को बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ। कितने दिनों का है आयोजन? 3 दिन का आयोजन है। पहला दिन है? हाँ, तीसरे दिन जो हमारा 1500 मीटर का रेस है वो होगा जो प्रातः होता है और उसके लिए भी वो लगे हुए हैं। 3 दिवसीय आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है और बच्चों का उत्साह देखा जा रहा है। बहुत ही जानदार तरीके से बच्चे अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षक समाज, खासतौर पर ये परिवार, टाउन टेक्निक परिवार पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ है। जैसा आपने सुना, आयोजन क्या है, कार्यक्रम क्या है, कौन लोग इसमें भाग ले रहे हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, सब आपने देखा और सुना भी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।